हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल, जिसमें हम मॉडलिंग का पार्ट देखेंगे और हम बनाएंगे आज एक छोटा सा हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ऑटोडेस्क माया जो है वो ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। माया दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में ऑटोडेस्क माया इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माया जो है वो रन हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। माया को ओपन होने में थोड़ी देर लगती है, ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए पीसी की रिक्वायरमेंट भी हाई रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो माया का पूरा इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है व्हाट्स न्यू हाईलाइट सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो माया का अपडेट आया है उसमें नई सेटिंग वगैरह उन्होंने डाली है, वो हाईलाइट करेगी ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है हाईलाइट व्हाट्स न्यू, मतलब आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो क्या नया आया है वो हाईलाइट नहीं होगा, और ऐसे क्लिक करके रखेंगे तो ग्रीन कलर में जो भी नया फीचर्स ऑटोडेस्क वालों ने डाला है माया सॉफ्टवेयर में वो ऐसे ग्रीन कलर में दिखेगा। ठीक है, तो और नीचे जो लिखा है शो दिस एट स्टार्टअप, मतलब जब भी आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हो तब ये पॉपअप विंडो ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपको ये बार बार नहीं चाहिए तो यहाँ से अनचेक कर दीजिए, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे रखिए। यहाँ से मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पूरा माया का सेटअप है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, टैप प्रेस करूँगा, टैप प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं मेरा प्रोस्पेक्टिव व्यू में चला गया है। यहाँ से मैं वापस से टैप क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से टैप प्रेस करके व्यू चेंज कर सकता हूँ। ये अभी दो ही व्यू आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके टॉप टॉप व्यू आएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस में फ्रंट व्यू आएगा, जेड एक्सिस में, और साइड व्यू जो है एक्स एक्सिस, और ये पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप यहाँ से दो भी कर सकते हैं, आप दोनों एक साथ देख सकते हैं, और यहाँ से सिंगल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में हूँ। यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक, अल्टर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप ऐसे इसको घुमा पाएंगे, ऐसे आप ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट ऐसे पूरा अल्टर लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, और अल्टर के साथ आप आपका जो बीच का वो स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम इन और आउट होगा। ठीक है, आप राइट राइट क्लिक के साथ भी कर सकते हैं ऐसा, ये जो अभी हो रहा है वो अल्टर राइट क्लिक के साथ हो रहा है। ठीक है, और लेफ्ट क्लिक के साथ ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं पॉली मॉडलिंग, यहाँ पे देख लीजिए आप ये जो मेन्यू है यहाँ पे आपका ये मॉडलिंग सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव सीन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सेव सीन में जाएंगे, कहीं भी आपकी फाइल आप सेव कीजिए। यहाँ पे मैं होम मॉडल ऐसा लिखूँगा, यहाँ पे माया बाइनरी ही रखना है आपको, और यहाँ से मैं कर दूँगा इसको सेव अस। ठीक है, तो ये जो हमारी फाइल है वो सेव हो चुकी है। तो अब हम कुछ भी बनाएंगे तो थोड़ी देर में कंट्रोल एस करेंगे जिससे हमारी फाइल सेव होती रहेगी, क्योंकि माया जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी क्रैश हो सकता है, वो हेवी है। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा लो है तो कभी भी क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो आप सेव करते रहिए उसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देखिए ये चेक कर लीजिए पहले तो, आप मॉडलिंग में है या फिर किसी और में, अगर आप एनिमेशन में है रिगिंग में है तो यहाँ से मॉडलिंग का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, और यहाँ से ये फर्स्ट नंबर पे है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका आएगा क्यूब। ठीक है, यहाँ से मैं क्यूब ले लेता हूँ, ऐसे पॉलीगॉन ले लेता हूँ, मैं टैप प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं
ये दो व्यू में बट गया है, मैं यहाँ से फोर व्यू में करता हूँ और यहाँ पे ले जाके मैं वापस से टैब प्रेस करूँगा, फ्रंट पे रख, फ्रंट जो व्यू है उस जेड उस पर टैब प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अल्टर प्रेस करके मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करूँगा। ठीक है, ये अल्टर और जो मिडल माउस है हमारा स्क्रॉल बटन, उसको क्लिक करके मैं डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और डब्ल्यू प्रेस करूँगा। डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, आप देख सकते हैं, आप डब्ल्यू से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा थोड़ा, और मैं आर प्रेस करूँगा, आर से आप इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल जेड कर दिखा देता हूँ, अंडू करना है कंट्रोल जेड करके। यहाँ से कभी भी ऐसा मत कीजिएगा या फिर ऐसा मत कीजिए, अगर आपको चारों ओर से बढ़ाना है उसको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वापस से टैब प्रेस किया, पर्सपेक्टिव व्यू में गया, यहाँ से ऊपर की तरफ मैं ऐसे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हो रहा है, इधर करता हूँ तो इधर की तरफ हो रहा है, और ये वाला एक्सेस में इस तरफ। ठीक है, तो आपको अगर पूरा बड़ा करना है तो मैंने टैप करके वापस फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ इसको, और यहाँ से बीच में से ऐसे करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अल्टर करके इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कर दूँगा इतना इतना बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वो छोटा हो रहा है, यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, कंट्रोल स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ठीक है, आप अल्टर के साथ भी जा सकते हैं या फिर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी वो जूम आउट और जूम इन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा बेस है उससे नीचे चला गया है, तो यहाँ पे मैं वापस से डब्ल्यू प्रेस करूँगा और यहाँ पे ऊपर ले जाऊँगा इतना। ठीक है, आप देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में टैब प्रेस करेंगे, यहाँ से अल्टर के साथ इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से वर्टेक्स मोड में जाऊँगा, यहाँ पे वर्टेक्स मोड। ठीक है, और यहाँ से ड्रैग करके ऐसे इतना सिलेक्ट कर लूँगा इसको, और कंट्रोल जेड करके मैं दिखाता हूँ आपको वापस, मैंने ये ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये चारों होंगे ऊपर के। ठीक है, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अगर पर्सपेक्टिव में से ऐसे, तो देख सकते हैं आप ये दो ही हुए हैं, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ऐसे तो ये चारों हो गए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, इतना चलेगा। इतना रखते हैं, टैब प्रेस कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा मैं वापस, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में ऐसे जा सकते हैं आप, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक्सट्रूड एक्सट्रूड करूँगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड करते हैं ऐसा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू में और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इतना, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है, और इसको मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं वापस ये ऑब्जेक्ट मोड हो चुका है। अब हम इसको क्लिक करेंगे और डब्ल्यू प्रेस करेंगे, और थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा मैं यहाँ पे लाइन पे अपने, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव व्यू में टैप करूँगा, ऐसे ऊपर जाऊँगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फेस, सिर्फ मैंने राइट क्लिक करके फेस सिलेक्ट किया नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं मैंने जब तक क्लिक करके रखा है, आप मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं जैसे ही मेन्यू पे लाके छोड़ दूँगा तो वो मेन्यू सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा फेस सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं भी ऐसे क्लिक कर लेंगे और ऊपर की तरफ का ये सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट, और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जो डबल फेस था वो हमने कर दिया डिलीट। अब ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है।
ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको वर्टेक्स करेंगे, वर्टेक्स डब्ल्यू प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार और चार जो हमारे आठ कोने हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे और ये ग्रीन वाला जो है इसको हम ले आएंगे बीच में, ऐसे जो ऊपर था वो नीचे चला गया है, जो नीचे था वो ऊपर, सभी बीच में आ गए। आप देख सकते हैं ऐसे मैंने ग्रीन को जो है बीच में ऐसे ला दिया। और वापस मैं करूँगा ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू में वापस जाएंगे हम टैब प्रेस करके। अभी हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और एज मोड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके एज मोड, अल्टर के साथ मैं थोड़ा सा ऐसा उधर इधर उधर करूँगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ एक एज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो है एज है हमारी जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, आप सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की है, मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे शिफ्ट। तो आप देख सकते हैं आप शिफ्ट के साथ जितनी चाहे उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं एज, लेकिन फिलहाल मेरे को दो ही करनी है तो मैंने दो ही किया है। यहाँ से आप क्या करना है, राइट क्लिक, तो ये वाले ऑप्शन है, और शिफ्ट राइट क्लिक, तो ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल ऑप्शन आएंगे जो ऑब्जेक्ट मोड, वर्टेक्स और एज वगैरह से फेस सिलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट मोड में वापस ले जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, ये फेस होता है, ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की ये एज है, ठीक है, और जो जहाँ पे ये लाइन जॉइंट हो रही है वहाँ पे एक पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो राइट क्लिक के साथ यही एज, वर्टेक्स, फेस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोड हमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4 इसी ऑप्शन को देखना है फिलहाल के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, एज मोड करूँगा, यहाँ से दो एज मैंने सिलेक्ट करके रखे थे, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो वापस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और शिफ्ट के साथ 2, ठीक है, और यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज का ऑप्शन है, जैसे ही मैं ब्रिज के ऑप्शन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइंट हो चुके हैं। वापस से मैं एज सिलेक्ट करूँगा, एक शिफ्ट के साथ दूसरा करूँगा, यहाँ पे एक वापस से डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, मैं एज मोड में जाता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों मैंने यहाँ पे करके रखे हैं, मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे ब्रिज कर दूँगा, एज सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरा किया, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और ब्रिज, ठीक है, वापस से दिखा देता हूँ। अगर कोई दिक्कत भी जाती है तो आप राइट क्लिक करके वापस एज में चले जाइए, आप कभी फेस में भी चले जाते हैं तो ऐसे फेस भी सिलेक्ट होने लगता है, आप ऐसा मत, तो आप वापस से एज में चले जाइए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप डब्ल्यू प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपका सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मूव टूल का शॉर्टकट जो है डब्ल्यू है, तो आप सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो डब्ल्यू प्रेस करके मूव टूल पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं एक और एज लूँगा और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ब्रिज कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स जैसा तैयार हो चुका है, अब हम इसकी छत बनाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैंने टैब प्रेस किया, मैं ऑब्जेक्ट मोड कर देता हूँ, यहाँ पे एक और पॉलीगॉन लेंगे हम, यहाँ पे पॉलीगॉन क्यूब, क्यूब यहाँ पे हमारे आ चुकी है, आप देख सकते हैं, मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा, इसको ऊपर ले लूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा मैं ऐसे बड़ा कर लूँगा इस तरफ से इतना, ठीक है, और इधर की तरफ भी कर लूँगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ स्क्रॉल बटन के साथ, यहाँ पे इतना कर लूँगा, यहाँ पे मैं ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यूज़
सेटिंग, लाइटिंग, शो, रेंडर, पैनल्स के नीचे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे एक्सट्रीम मोड है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बाहर है कितना अंदर है, तो ये सही है, चलेगा इतना ही। यहाँ पे मैं वापस ये वाला व्यू कर दूँगा, यहाँ पे मैंने स्क्रॉल के साथ छोटा किया थोड़ा, कंट्रोल जेड करता हूँ मेरे से थोड़ा बड़ा हो गया, डब्ल्यू प्रेस करूँगा मैं, वापस से आर पे जाऊँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, पतला चाहिए हमें ऊपर से इतना, देख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, ओके तो इतना ठीक है। इसको मैं वापस से डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे, ठीक है। ई में रोटेशन होता है, तो आप देख सकते हैं ये वाला, आप ये जो बाहर का दिख रहा है उसमें कभी रोटेट मत कीजिए, अगर आप उसमें रोटेट करेंगे यहाँ से तो वो देख सकते हैं ऐसे रोटेट होता है। तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है, तो पर्सपेक्टिव व्यू में जो बाहर का येलो रिंग है उसको कभी मत मूव कीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव में मत कीजिए, ठीक है। पर्सपेक्टिव में वो रेड और ब्लू लाइन दिख रही है उसी में रोटेट कीजिए, और ये वाली ग्रीन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको, आप ऐसे रोटेट करेंगे तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल बॉक्स में, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और इसको रोटेट करूँगा तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है जेड में, यहाँ पे 90 कर दूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं वो सीधा हो गया है, लेकिन 90 का हाफ होता है 45, तो मैं 45 डिग्री इसको एंगल को मूव कर दूँगा जेड एक्सिस में, ठीक है। यहाँ से मैं वापस, अब यहाँ पे W प्रेस करेंगे तो 45 की जगह भी W हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिए, आप यहाँ पे पहले क्लिक कर लीजिए, वापस से इसको सिलेक्ट कीजिए और W प्रेस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इतना इसको हम कर देंगे सेट, थोड़ा सा टच में रखेंगे ऐसे, और इतना बाहर रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पर्सपेक्टिव व्यू में भी देख सकते हैं यहाँ से। और इसको मैं करूँगा कंट्रोल डी, मैंने कंट्रोल डी किया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से डुप्लीकेट हो चुका है, दो हो चुके हैं, ठीक है, वो आपको दिखेगा, ये रहा आउटलाइनर, ठीक है। आप यहाँ से आउटलाइनर को ले सकते हैं, ये वाला पहला वाला क्यूब है जो हमने रोटेट किया, और ये जो है उसका डुप्लीकेट लिया है हमने, ठीक है। तो आपको आउटलाइनर का काम नहीं है तो आप यहाँ से हाइड भी कर दीजिए और वापस से यहाँ पे उसको ला भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उल्टा करूँगा, -45 कर दूँगा इसको, तो ये इस तरफ मूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे जितना वो है उतना रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल पे टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि वो कितना है, ये लाइन में भी देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, ऊपर भी देख सकते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं आप कि आपको कितना रखना है, ठीक है। ये बीच में है कि वो पहले देख लीजिए, सेंटर में, ये तो सेंटर में ही है, ये थोड़ा सा इस तरफ करना पड़ेगा, तो इतना रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी देख लीजिए, ओके चलेगा, तो हमें अभी सही लग रहा है फिलहाल के लिए, थोड़ा सा इधर उधर है तो वो चल जाएगा। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, आप देख सकते हैं ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टैप प्रेस करता हूँ, वापस से टैप प्रेस करता हूँ और फ़ॉन्ट व्यू में चला जाता हूँ, यहाँ से मैं
इसको वॉर्टेक्स मोड करता हूँ और ये चार जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ के दो उस तरफ के दो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें आऊँगा, वॉर्टेक्स है ये जो है हमारा मूव टूल है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते हैं उसका टूल सेटिंग का पैनल खुलेगा। यहाँ पे आप कीजिए इसको कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट करते हैं, ये देखिए आप इस तरह से इसको यहाँ तक ले लीजिए। इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, इसको मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऐसे कर दूँगा, ये रहा हमारा हो गया। यहाँ से वापस से रीसेट टूल कर दूँगा और टूल सेटिंग को कर दूँगा क्लोज, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ या फिर इतना चल जाएगा, आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से थोड़ा ठीक हो। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा घर जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे इसको, यहाँ पे इसको ऐसे इस तरफ लाएंगे और यहाँ पे जो है जीरो कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, हमने मूव किया था इसको। और यहाँ पे देखिए ये तीन ऑप्शन होंगे, सेंटर पॉइंट तो वो सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे होगा डिलीट हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ से सब जीरो हो जाएंगे वैल्यू जो है आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, अब हम इसको सेंटर में ले आएंगे थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं वो सेंटर में है कि नहीं, यहाँ पे अभी फिलहाल वो सेंटर में है। अभी इसको हम मूव करेंगे यहाँ से 90 डिग्री मूव करेंगे, आप देख सकते हैं। तो हमें एक्स एक्सिस में करना है, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को सिलेक्ट उसमें 90 अमाउंट डाल दूँगा और यहाँ से एंटर कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है ऐसे हो चुका है। अब भी हमें थोड़ा सा रोटेशन और चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐसे यहाँ पे जेड में हम करेंगे 45, एंटर कर दूँगा मैं और वापस से ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँगा। टैप करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, थोड़ा सा नीचे लूँगा और इसको यहाँ पे सेट करूँगा ऐसे। आप देख सकते हैं मैं कैसे सेट कर रहा हूँ यहाँ पे बीच में, थोड़ा सा इस तरफ लेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इतना चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टैप प्रेस करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाले व्यू में, यहाँ से मैं इसको इस तरफ ले लूँगा इतना सा, ठीक है। और कहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये इस तरफ है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको थोड़ा बाहर की ओर करना है। चलो इतना, ठीक है, तो इतना चलेगा। मैं इसको कर देता हूँ ऑब्जेक्ट मोड, टैप प्रेस करके यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे ही रहने देंगे या फिर इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ये वाला क्लिक करेंगे, तो देखिए आप कोई भी ऐसे पॉलीगॉन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये क्लिक कर दीजिए तो वही दिखेगा, वापस से वहाँ क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वापस से मैं सब कुछ ला देता हूँ यहाँ पे, हमें ये और ये और ये, ये तीन ही चाहिए, बाकी का मैं कर दूँगा हाइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉलीगॉन लेंगे ऐसे, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ,
दूसरे वाले एंगल में जाके व्यूज में जाके आर प्लस करूँगा मैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं इतना बड़ा कर लेंगे ऐसे, और ऊपर की ओर से भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे इतना, और इसको इतना ऐसे कर लेंगे, ठीक है ये चलेगा। अब हम इसको सेट करते हैं, यहाँ पे जाऊँगा मैं एक्सर मोड करूँगा और डब्ल्यू प्रेस करूँगा, इसको नीचे ले आऊँगा, कितना रखना है आपको बस इतना, ठीक है थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे अभी, ठीक है ये प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे या फिर वो इस तरफ है, सॉरी तो मैं यहाँ पे रखूँगा। आप देख सकते हैं आप ये यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे की ओर लूँगा और थोड़ा और बड़ा करूँगा, पूरा कवर होना चाहिए ऐसे। यहाँ पे आता हूँ, देख लेता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो इसको रखना है इतना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलीगॉन है हमारा ये वाला, इसको हम इतना, ये जो इसके अंदर आ रहा है जो हमने दूसरा पॉलीगॉन लिया, इतना हमको कट करके फेंक देना है, ठीक है यहाँ से हमको कट कर देना है। तो जितना भी आपको कट करना है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ये पूरा कवर हो चुका है और ये ऊपर का जो है वो रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और मेस में आ जाएंगे, यहाँ पे बूलियंस ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिफरेंस है, यहाँ पे मैं डिफरेंस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जितना वो बॉक्स के अंदर था वो रिमूव हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। और वापस से मैं ये वाला प्रेस कर दूँगा, कहाँ पे गया ये यहाँ पे, तो ये बाकी का हमारा पोर्शन था वो आ चुका है। यहाँ पे मैं टैप प्रेस करके आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव में, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा डुप्लीकेट, डब्ल्यू प्रेस करूँगा मूव टूल और यहाँ पे इसको दूसरी तरफ ऐसे मूव कर दूँगा। इसको ठीक से बिठाने के लिए मैं ये वाले यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट हो चुका है। तो हमारा घर की जो छत है वो हो चुकी है, अब हम दरवाज़ा बनाएंगे, ठीक है। तो दरवाज़ा कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछली बार हमने जो कट किया था वही वाला यूज़ करना है हमें। एक पॉलीगन लेना है, क्यूब, पॉलीगन क्यूब, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, थोड़ी चीज़ को बड़ी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। टैप प्रेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ से इसको डब्ल्यू प्रेस करके ऊपर लेता हूँ इतना, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ऐसे, इतना रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर लेता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करके इसको ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देंगे इतना, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ओके इतना चलेगा। थोड़ा अगर आप ऊपर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ से इसको यहाँ पे रखूँगा, ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये बड़े वाले क्यूब को और चिप के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा। आप अंदर जाके भी देख सकते हैं ऐसे जूम करके, ये आप अंदर आ गए, आप ऐसे घुमाइए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप अंदर आके देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके आप निकल भी सकते हैं वापस,
बाहर, ठीक है। तो पहले ये इसको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ इसको, फिर जाना है मैथ्स में, बुलियंस में, और यहाँ से डिफरेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दरवाजा है वो बन चुका है, ऐसे हमारा ये वाला दरवाजा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही खिड़की बनानी है। तो पॉलीगन लेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, वो थोड़ा अंदर आ चुका है। यहाँ से इसको कर देंगे थोड़ा सा बड़ा इतना, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर ले आएंगे। इसको कितना रखना है आप देख लीजिए, यहाँ से इतने ऊपर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आऊँगा खिड़की इतनी चलेगी, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं यहाँ से ऐसे, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे सीट के साथ ही, और एक काम कर लेते हैं हम, पहले इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरफ, डब्ल्यू प्रेस करके ऐसे ला देता हूँ मैं, ताकि ये दोनों तरफ से कट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस इसको सिलेक्ट करूँगा सीट के साथ इसको, और मैथ्स में जाऊंगा, बुलियंस में जाऊंगा, और डिफरेंस में क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा खिड़की और दरवाज़ा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके सरिये बना लेते हैं पहले, यहाँ से मैं दूसरा वाला टूल लूँगा, पॉलीगॉन सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारा सिलेंडर यहाँ पे आ चुका है। डब्ल्यू प्रेस करूँगा मैं, इसको ऊपर कर लूँगा ऐसे, टैब प्रेस करके यहाँ पे जाऊँगा, आप यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ ऐसे, कंट्रोल प्रेस, आप आर प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस करेंगे, मैं आपको पर्सपेक्टिव व्यू में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। आप अगर ऐसे करेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो इस तरफ से ये ऐसा दिखे, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और रेड की तरफ को करेंगे तो उस तरफ भी ऐसा ही हो जाएगा चपटा, ठीक है। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ऊपर से नीचे करेंगे ना, तो वो छोटा होगा चारों तरफ से, ठीक है। और फिर ऐसे बड़ा कर लीजिए, टैब प्रेस करके मैं ये वाले व्यू में चला जाता हूँ, साइड व्यू में। यहाँ पे मैं इतना बड़ा कर लूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से इसको वापस से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ओके, ठीक है। कंट्रोल के साथ इसको छोटा करेंगे, पतला ऐसे। अगर आप और चलना चाहते हैं तो मैं थोड़ा और कर देता हूँ, इतना चलेगा। मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे ले आऊँगा इसको, कंट्रोल डी करूँगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, वापस से कंट्रोल डी, एक बार और कंट्रोल डी, और यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे पहला ये वाला है हमारा शिप के साथ, यहाँ पे इतना सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे वापस से कंट्रोल डी, ठीक है। ये वाला कॉपी कर लिया हमने, इसको हम क्या करेंगे, ये वाले मूव में आ जाते हैं, हम देख सकते हैं ये बीच में है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं पहले, और पहले इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बीच में, और ये सेट हो जाने के बाद जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो ऐसे ठीक कर दीजिए इसको। इसके बाद आप कंट्रोल डी कीजिए, और यहाँ से इस तरफ भी कर दीजिए, और आपको ये और यहाँ तक
पूरे सिलेंडर सिलेक्ट करने हैं और कंट्रोल जी कर देना है, जिससे ये ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्टर के साथ इसको रोटेट करके देख सकते हैं ये हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दरवाजे पे थोड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे मैं एक पॉलीगन लूँगा, यहाँ पे इसको इस तरफ ले आऊँगा, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऊपर की तरफ, तीन जितना करेंगे, एक दो इतना। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, ई प्रेस करूँगा, आर प्रेस करूँगा और इसको स्केल कर लेंगे, डब्ल्यू करके बीच में ले आता हूँ, थोड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको इस वाले व्यू में जाके ऐसे अटैच कर देंगे इतना ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट टूल में जाएंगे। तो आप अभी यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे तो मेरा दो आ रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट लूप टूल है, ये रहा, डबल क्लिक करूँगा मैं, रिसेट करूँगा तो आपका ऐसा होगा, और एक आप एज पे क्लिक करेंगे ना तो ऐसे एक ही आएगा, ऊपर नीचे करेंगे तो आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे दो लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मल्टीपल एज लूप्स लूँगा, यहाँ से दो हैं ही, मेरे को दो ही चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं ये वाले एज पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये दोनों बीच में ही आएंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूँगा, तो दो लाइन हमारी, दो एज जो हैं वो हो चुके हैं। मैं वापस से यहाँ पे रीसेट कर दूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, टैब प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, पर्सपेक्टिव व्यू को हम ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे फेस सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं फेस सिलेक्ट करूँगा फेस, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो फेस सिलेक्ट नहीं हो रहा था वो आ गया, यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ ये इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ दूसरा करेंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और एक्सट्रूड फेस कर देंगे, यहाँ पे हम ये ब्लू वाले को ऐसा खींचेंगे तो इतना चाहिए हमें, आप देख सकते हैं इक्वल इक्वल लेना है, एक ही फेस सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ राइट क्लिक एक्सट्रूड फेस करूँगा और यहाँ पे फेस थोड़ा सा इतना सा एक्सट्रूड कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड कर सकता हूँ। अब क्या करना है आपको, ये वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके फेस, यहाँ पे भी फेस सिलेक्ट कर लूँगा एक में और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक एक्सट्रूड फेस, यहाँ पे जाऊँगा ये वाले भी, यहाँ पे टैब प्रेस करके इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ से मैं ब्लू वाले को खींच के यहाँ से जितना हमारा ये वाला है उतना, ओके इतना चलेगा, टैब प्रेस करके पर्सपेक्टिव में चला जाता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है हाउस रेडी। अब मैं आपको रेंडर करना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको रेंडर कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस ऐसे रखें ऐसे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम मटेरियल दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे ऐसे, ये ऑप्शन हमारा आते हैं, अब हम नीचे जाने देंगे, यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम अननोन में जाएंगे, अननोन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, ये वाला आपको लेना है एआई स्टैंडर्ड सरफेस,
इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मटेरियल असाइन हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही उसकी। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, आप पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, ये वाला सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मटेरियल एस्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो आ चुकी है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्पेक्युलर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर रखेंगे हम, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे और स्पेक्युलर को कम कर देते हैं, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, इतना, ठीक है। और इसको हम नेम दे देते हैं वॉल, ये वॉल का मटेरियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम मटेरियल अप्लाई करेंगे हम, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे असाइन एग्जिटिंग मटेरियल, मतलब आपने पहले से मटेरियल अप्लाई किया हुआ है वहीं भी इसी पे अप्लाई करना है, ठीक है, वही मटेरियल इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, तो हमने जो रीनेम किया था वॉल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी वही वाला मटेरियल दे देते हैं हम वॉल, और यहाँ पे भी वही वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल हमारा असाइन हो चुका है। अब यहाँ पे एक न्यू मटेरियल बना लेते हैं, यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल अननोन AI स्टैंडर्ड सरफेस, इसका कलर जो है हम ये वाला रखेंगे, थोड़ा सा इस तरफ लेंगे, ठीक है, ये वाला चलेगा, ओके। तो ये कलर हो चुका है, इसको भी आप कोई नेम दे सकते हैं, ठीक है। नेम क्यों देना है आपको, क्योंकि इसी में भी वही मटेरियल अप्लाई करना है, तो आपको राइट क्लिक असाइन एग्जिटिंग मटेरियल, यहाँ पे नेम, मैंने नेम दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं जो है ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमें ये जो है हमारी गैलरी में, इसको भी हम मटेरियल दें, इसको मेटल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है पूरा मेटल उनका, सरियों का, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल में जाएंगे, अननोन में जाएंगे, AI स्टैंडर्ड सरफेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीसेट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ से ब्रशेट मेटल, ठीक है, और रिप्लेस ऑल, ऐसा कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने भी मटेरियल ले लिया है, वो ब्लैक दिख रहा है, वो अभी नहीं दिखेगा, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा रेंडर करना दिखा देता हूँ। अब हमको क्या करना है, इस सीन में लाइट लेनी है, ठीक है, तो वो कैसे लेना है, यहाँ पे आप अननोन में जाइए, यहाँ से लाइट पे क्लिक कीजिए और स्काई डोम लाइट, ठीक है, यहाँ से आपको स्काई डोम लाइट लेनी है ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ये वाला देखिए ऑप्शन, अब फिल्म गेट, ठीक है, ये फिल्म गेट क्या होता है, इसको क्लिक करेंगे तो जितना आप रेंडर करेंगे ना उतना आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर रखेंगे उतना ही आपका रेंडर में आएगा, रेंडर व्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला देखिए, यहाँ पे ये रेंडर सेटिंग है, डिस्प्ले रेंडर सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे मैं JPG सिलेक्ट करूँगा, JPEG, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वालिटी मैंने 100% रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड, आप नेम लिखेंगे सीक्वेंस, और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू का निकालना है, और यहाँ पे फिलहाल के लिए HD 540 ही रखते हैं, यहाँ पे जब हम इमेज का रेंडर निकालेंगे तब हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इतना करके आप क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे इस वाले पे रेंडर द करेक्ट
करंट फ्रेम, ठीक है, रेंडर द करंट फ्रेम, मतलब जो अभी ये हमें दिख रहा है वही हमको देखना है कि वो रेंडर में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसका थोड़ा सा लुक हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना पहले इंटरनेट ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपना इंटरनेट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट कर लूँगा, सॉरी। यहाँ पे मेरा नेट कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, विंडोज़ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे HDRI हेवन, ठीक है, HDRI हेवन लिखेंगे। पोली हेवन हो गया है जिसका नाम, वो पहले HD हेवन था, HDRI हेवन था, अभी पोली हेवन हो गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज HDRI, इस पे जाएंगे, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। यहाँ पे हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड देख लेंगे जिसमें लाइट अच्छी तरह से आ रही हो। तो ये वाला हमें अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा मैं। ये क्या, इस पर क्लिक नहीं हो रहा है। ओपन इन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं 4K में कर रहा हूँ, ठीक है, आप 8K भी कर सकते हैं, 2K भी कर सकते हैं, मैं 4K इनफ हुआ है। यहाँ पे XR है, ये XR है, HDR है, ठीक है। आप चाहे तो HDR में कर सकते हैं, ये XR में, HDR में करता हूँ, डाउनलोड करूँगा यहाँ पे। ये जो डाउनलोड हो रहा है, मैंने तो ऐसे डाउनलोड भी करके रखे हैं शायद, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड होने देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे 23 MB का है, 23.8 MB, तो हमारा नेट की स्पीड के हिसाब से वो डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है हम अपना माया ओपन करेंगे वापस से। आगे का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है, ये वाली इमेज कैसे यूज़ करनी है हमें अपने सीन में। ट्वेंटी 23, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा HDR है वो डाउनलोड हो चुका है, 7 और 8। ओके, यहाँ पे मैं वापस माया में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये वाला AI SkyDome Lite, ठीक है। यहाँ पे इसको मटेरियल एस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डूम लाइट शेप 1, ठीक है, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे कलर में जो ये चेकबॉक्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ये वाला फाइल वाला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं माय कंप्यूटर में चला जाता हूँ, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप संजू, यहाँ पे डाउनलोड्स में मैंने डाउनलोड किया है, ये रहा पहले ही आ चुका है, यहाँ पे व्यू भी हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं ऐसा आ गया है कुछ हमारा सीन, ठीक है। अब हम रेंडर करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं
कुछ ऊपर ब्लू ब्लू सा आ रहा है व्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल एस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लुक देते हैं, कंट्रोल एफ कर दूंगा सबसे पहले मैंने काफ़ी टाइम से सेव नहीं किया है, मैं इसको ये वाला कम कर दूंगा, ये वाला थोड़ा लाइट डार्क डार्क इतना चलेगा। अब रेंडर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पे जाना है, सैंपल जो है इसका हम कर देंगे 10। ठीक है, 10 सैंपल बहुत ही ज़्यादा होगा, 5 कर देता हूँ, और एक्सपोजर जो है वो 1 कर देते हैं, लाइट थोड़ी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं रेंडर करके, जितना आप सैंपल बढ़ेंगे उतना रेंडर होने में आपका देर लगेगा और क्लैरिटी भी उतनी अच्छी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सीन जो है वो ओके दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और मटेरियल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से मैं एक पॉलीगन लूँगा ऐसे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इतना, बहुत बड़ा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जितने में रहेगा उतना में आपका शेड हो आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको मैं बड़ा करता हूँ ऐसे, ये हम शेडो के लिए बना रहे हैं इतना इतना। ठीक है, इतना बड़ा कर लेंगे हम, ये आप देख सकते हैं इसमें इतना हो चुका है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल में जाएंगे, यहाँ से एनोड सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अब हम करना है एआई शेडो मैट। ठीक है, एआई शेडो मैट मतलब ये विजिबल नहीं होगा, सिर्फ शेडो ही दिखाएगा। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मैं, और इसको तो ऐसे नीचे ले लेंगे हम इतना। ठीक है, ये हो गया, अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाते हैं, और यहाँ से रेंडर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं आपके घर का शेडो जो है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, मैं थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करके भी दिखा देता हूँ आपको ऐसे, यहाँ पे मैं रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा शेडो वगैरह प्रॉपर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ये वाला व्यू देखूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा अंदर की तरफ करूँगा इतना, वापस से एक बार रेंडर करके देख लेता हूँ मैं कैसा लग रहा है हमारा। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और शेडो भी हमारा ऊपर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहें अगर तो यहाँ पे आप बेस भी बना सकते हैं थोड़ा, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ इतना, एक और पॉलीगन लेंगे हम, इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप अगर चाहते हैं तो आप बेस बना लीजिए थोड़ा सा इतना, इसको मैं डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे ला दूंगा ताकि इसका शेडो पड़े। ठीक है, यहाँ से मैं आप देख सकते हैं, वापस से थोड़ा रेंडर करके दिखाता हूँ मैं आपको।
तो आप देख सकते हैं इसका भी शेडो जो है वो आ रहा है हमारा। ठीक है, तो बेस का एक कलर दे देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से असाइन न्यू मटेरियल करूँगा, यहाँ पे एनोड में जाऊँगा, एयर स्टैंडर्ड सरफेस कर देंगे, यहाँ से इसका जो स्पेक्युलर है वो कम कर देंगे हम एकदम ही। अब रेंडर करके देखते हैं। ओके, तो ये वाइट कलर का आ रहा है और ये ज़मीन पे भी है, ऐसा लग भी रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला सीन जो है पूरा इसको हम रेंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे जाएंगे रेंडर सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे और सिलेक्ट करते हैं HD 1080p। ठीक है, यहाँ पे HD 1080 कर लेंगे और फ्रेम हमें कितनी निकालनी है, स्टार्ट फ्रेम 1 एंड फ्रेम भी 1। ठीक है, और पर्सपेक्टिव ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये पूरा हो रहा है सेटिंग, यहाँ पे JPG रखा है। अब हम AOV इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ AOV। ठीक है, यहाँ पे ये है, ये नॉइस क्लियरेशन के लिए है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका सैंपल जो है वो मैं 10 टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि नॉइज़ ना आए। ठीक है, ठीक है, और इंटेंसिटी रेजोल्यूशन 1000 है, इसका मैं 1080 बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, रेंडर रेंडर में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से अननोड, यहाँ पे रेंडर पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा क्लीन होते जाएगा धीरे धीरे, आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो रहा है। यहाँ पे आपका सिस्टम पावर ज़्यादा लेगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा रेंडर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा रेंडर व्यू है। आप ये नॉइज और भी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकलना है आपको, आप रिजोल्यूशन और सैंपल्स बढ़ा देंगे तो आपका ये जो नॉइस आ रहा है वो निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा है फाइल, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं, सैंपल्स 50 कर देता हूँ। ठीक, AOV इसको ऑफ कर देता हूँ, रेंडर सेटिंग में जाएंगे, AOV इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा CPU ही रखता हूँ, GPU कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपका ग्राफिक कार्ड है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बकेट साइज फुल कर लेता हूँ। टेक्सचर रिजोल्यूशन इतना ही रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अननोन में जाके सैंपल को मैं कर लेता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ से सिंपली मैं
रेंडर पे क्लिक कर दूंगा, तो इसको रेंडर होने में थोड़ी सी देर लगेगी अभी, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो रेंडर है वो हो रहा है, ये बहुत ही देर लगाएगा, मतलब आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जितना हैवी होगा उतना वो देर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा चिपक जाए तो आप मत कीजिए रेंडर, यहाँ से मैं स्केप ESC प्रेस करूँगा, स्केप की, ठीक है, कैंसिल कर दूँगा और मैं इसको GPU जो है वो निकाल देता हूँ, सिस्टम GPU मैंने CPU में ही कर देता हूँ, ठीक है, सैंपल इतना चलेगा। स्पेक्युलर डिफ्यूज, अब चाहें तो यहाँ से डिफ्यूज को भी 5 कर दीजिए, ठीक है। अब रेंडर करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे वापस से स्केप की दबाऊंगा मैं, जो रेंडर हमारा है वो अटक चुका है पूरा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ भी रेंडर नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रेंडर में जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं रेंडर सीक्वेंस है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, वापस से स्केप की दबाऊंगा और यहाँ से क्लोज कर दूंगा। रेंडर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉक्स में, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे फाइल लोकेशन मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रेंडर सीक्वेंस एंड क्लोज, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेंडर सीक्वेंस एंड क्लोज। अब देखते हैं वो कितनी स्पीड में हमारा रेंडर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर लेते हैं या फिर मैं आपको लास्ट में जो इमेज है वो दिखा दूंगा कि कैसी आ रही है, ठीक है। और मैं वीडियो के पहले ये इमेज डाल ही दूंगा, वैसे वैसे मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने वो ऑलरेडी ये इमेज वीडियो के पहले ही डाल दी है रेंडर, ठीक है। तो आप भी ऐसे वेट कीजिएगा और जब रेंडर हो जाता है तो आपने जहाँ पे फाइल लोकेशन दिया था वहीं पे ये इमेज आपको पड़ी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।